डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कॉमनली फ्लैट वर्म्स हैं एसलोमेट हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, हैं बायोलेट्रल्मिट्रिकल हैं इनके अंदर कोई भी स्केलेटन मौजूद नहीं है रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बिगनिंग है एलिमेंट्री कैनाल है वन इट विल बी प्रेजेंट इट विल हैव इट्स ब्लाइंड सैक अनसेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स भी इनको हम कह देंगे और इनके अंदर फ्लैटेंट शेप्स हैं और ये फ्लैटेंट शेप्स जो हैं दे नॉर्मली हेल्प इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एज वेल एज डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एंड फॉर न्यूट्रेंट्स थ्रू देअर बॉडीज अब इस फायलम प्लेटी हेलमेंट थीज़ को हम मुख्तल्फ क्लासेस में डिवाइड करते हैं पहली इसकी प्रोमिनंट क्लास जो है दैट इज़ क्लास टर्बील एरिया क्लास टर्बील एरिया के अंदर मोस्टली जो वर्म्स होंगे वो फ्री लिविंग वर्म्स हैं एक्वाटिक हैं मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसके अंदर ड्यूगेसिया इनकी एक्सटर्नल बॉडी सरफेस जो है दैट नॉर्मली हैज सिलिया सो दे आर सेट टू बी सीलिएट प्रीडेशियस हैं दे प्रोजैसेज रेबडिटिज प्रोटोसीबल प्रोबोसिस मौजूद है फ्रंटल ग्लैंड मौजूद हैं फ्रंटल ग्लैंड्स के अलावा बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड मौजूद हैं हर्माफ्रोडाइट्स हैं और थ्री थाउजेंड स्पीशीज़ इसकी अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं क्लास टर्बिल एरिया में आप देखें ड्यूगीसिया स्पीशीज़ कॉमनली इसको हम प्लेनेरिया कहेंगे प्लेनेरिया जो है ये फ्री लिविंग है होल माउंट का मतलब है कि इस पूरे एनिमल की शेप जो है दैट इज़ नॉर्मली माउंटेड अब इस होल माउंट में आप देखें औरकल्स मौजूद हैं आई स्पॉट्स मौजूद हैं और ये पूरी बॉडी कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद है इट इज़ ब्लाइंड एंडेड और फेरिक्स वेल डेवलप्ड है तो प्लेनेरिया इज़ आ कॉमन फ्री लिविंग टर्बिलेरिया अब नेक्स्ट इसके अंदर क्लास है मोनोजीनिया मोनोजीनिया जो हैं इनको हम मोनोजेनेटिक फ्लूक्स भी कह देते हैं इसके अंदर ज़्यादातर पैरासाइट्स हैं और पैरासाइट्स भी एक्टोपैरासाइट्स एक्टोपैरासाइट्स जो कि हमें वर्टीब्रेड पे नॉर्मली फिशेस पे टर्टल्स पे फ्रॉग्स पे इसमें मिलेंगे और इसकी लाइफ साइकिल जो है दैट इज़ नॉर्मली कंप्लीटेड इन वन होस्ट दिस इज़ द डायग्राम ऑफ टिपिकल मोनोजिनिक पैरासाइट्स अब ये पैरासाइट्स जो हैं दे आर फाउंड इन द गिल्स या एक्सटर्नल सरफेस ऑफ फिशेस अब चूंकि ये पैरासाइट्स हैं आप कोई भी पैरासाइट्स अगर आप ले लें तो इसके अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम रिड्यूस होता है और इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दैट इज़ क्वाइट वेल डेवलप्ड तो यहाँ पे टेस्टिस ओवरीज एग्स डेवलपिंग यंग वंस दैट इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट इसके अलावा फेर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये ओपिस्थेरेप्टर

सेक्शुअल एसेक्शुअल फेजिज़ दोनों रिपीट करेंगे इसके टेन थाउजेंड स्पीशीज़ जो हैं हैव बिन डिस्क्राइबड अब है सब क्लास इसकी एसपीडोग्ट्रिया एसपीडोगैस्ट्रिया के अंदर ज़्यादातर मोलस के एंडोपैरासाइट्स होंगे इनके अंदर लार्ज ओपिस्थोरेप्टर मौजूद है ओरल सकर मौजूद नहीं होगा थर्टी टू स्पीशीज़ जो हैं वो इसकी नोन है फिर है क्लास सब क्लास डाइजीनिया इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरासाइट है दैट इज़ फैसूलिया हिपेटिका ये एंडो पैरासाइट है वर्टीब्रेड्स के और ये वाले पैरासाइट्स अपने लाइफ साइकिल को टू होस्ट में कंप्लीट करते हैं इनके अंदर चूँकि ये पैरासाइट्स हैं तो बॉडी को स्टिंग करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड हैं जिसको हम कहेंगे ओरल सकर या एसिटेबुलम 1350 थाउजेंड थ्री इसकी डिस्क्राइब्ड हैं अब अगली जो क्लास है दैट इज सेस्टोडिया इसके अंदर सारे के सारे पैरासाइट्स हैं और इनके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद नहीं है दे हैव ग्रेट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल और थर्टी फाइव हंड्रेड स्पीशीज इसकी डिस्क्राइबड हैं इसकी सब क्लास है सेस्टोडेरिया इसकी बॉडी जो है फर्दर इट इज़ नॉट सब डिवाइडेड इंटू प्रोग इसके लार्वे जो है वो क्रस्टेशियंस के अंदर मौजूद होंगे अडल्ट फिशेस में होंगे यानी टू हॉर्स के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे अबाउट फिफ्टीन स्पीशीज इसकी अभी तक नोन है सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमें एंड मोस्टली दीज आर द पैरासाइट्स दैट आर लिविंग इन द इंटस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट दैट कैन बी ह्यूमन बींग or other vertebrate.